है बीपिंग मून टीवी। हेलो वेलकम नमस्कार, बीपिंग मून टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेरणा और आपके लिए लेकर आई हूँ फिल्म 11 रात अकेली है और लूट केस, इन तीनों फिल्मों के लिए क्विक फिल्म रिव्यू। निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की Z5 पर रिलीज हुई फिल्म 11 को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म उसी शख्स ने बनाई है जिन्होंने पान सिंह तोमर और साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्में बनाई है। लेकिन उनकी हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी दोस्ती और विश्वासघात की झलक देखने मिलती है। इस फिल्म में विद्युत जामवाल, अमित साध, श्रुति हसन, विजय वर्मा, केनी बसुंतरी, संजय मिश्रा, अंकुर वकील, मोहम्मद अली शाह, ये स्टार कास्ट है। 2011 की फ्रेंच क्राइम ड्रामा अ गैंग स्टोरी पर ये फिल्म आधारित है जिसमें चार बचपन के दोस्तों की कहानी है जो अपराध की दुनिया में लुका छुपी करते हुए जवान होते हैं। इस फिल्म में ये कलाकार 70 के दशक में बंदूक चलाते हुए, देसी दारू बेचते हुए, जमीन बेचते हुए आपको नजर आएंगे। खास करके विद्युत जम्वाल जो है उन्होंने इस फिल्म में ज्यादातर एक्शन सीन्स किए हैं, तो दूसरी तरफ अमित जो है वो इस फिल्म में मनमोजी दोस्त के रूप में है जिसकी एंट्री उनके दोस्तों के बीच कहर ढाती है। अमित और विद्युत की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अच्छी नजर आती है। दूसरी तरफ श्रुति हसन का जो रोल है वो ज्यादातर इम्प्रेस नहीं करता। कहानी का लेखन कमजोर होने के कारण उनका शानदार परफॉर्मेंस भी उनके किरदार को जिंदा नहीं कर पाता है। एक बेहतरीन देसी वेस्टर्न कम क्राइम सागा ये फिल्म हो सकती थी। फिल्म में इन चीजों की कमी साफ देखी जा सकती है। फिल्म में लेखन और मजबूत स्टोरी लाइन ना होने की वजह से इस फिल्म की स्टोरी लोगों को, दर्शकों को बांधे नहीं रखती। इस फिल्म को पीपिंग मून देते हैं 2.5 मून्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की फिल्म रात अकेली है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। हनी त्रिहान ने इस फिल्म का निर्देशन किया है जो कि एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, श्वेता त्रिपाठी, स्वादन किरकिरे, आदित्य श्रीवास्तव, निशांत दहिया, इला अरुण, शिवानी रघुवंशी, तिग्मांशु धूलिया और पद्मावती राव, ये इस फिल्म की स्टार कास्ट है। कानपुर के बेलाघाट के बैकड्रॉप पर सेट इस फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर जतिन यादव के चारों ओर घूमती है जो किरदार निभाया है नवाजुद्दीन ने। शहर में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ठाकुर रघुवीर सिंह की हत्या हो जाती है। इस हत्या की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा जतिन यादव को सौंपा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ठाकुर की हत्या के कुछ घंटे पहले ही उनकी शादी राधा से भी होती है। राधा का किरदार निभाया है राधिका आप्टे ने और जतिन जो है राधा की सुंदरता से प्रभावित होता है। हनी त्रिहान ने इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर को बनाने का एक ईमानदार प्रयास किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन और राधिका ने अपने अपने कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से निभाए हैं और ये आपका ध्यान खींच भी लेते हैं। शिवानी रघुवंशी और निशांत दहिया सबसे ज्यादा निखर कर सामने आए हैं। श्वेता त्रिपाठी, पद्मावती राव और आदित्य श्रीवास्तव के रोल्स को कुछ अच्छे से डेवलप नहीं किया गया। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत रॉ और रियल लगता है। फिल्म की कहानी सपाट है जो आगे तो जाती है लेकिन कहानी को लेकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहती। इस फिल्म को पीपिंग मून देते हैं 3 मून्स। अगर आपको कभी पैसों से भरी सूटकेस मिले तो आप क्या करेंगे? पता नहीं, लेकिन लूट केस फिल्म के एक्टर जो है उन्होंने ये सूटकेस लूट ली है। राजेश कृष्णन निर्देशित लूट केस फिल्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हो गई है और ये फिल्म आपको बहुत हंसाती है। इस फिल्म में कुणाल खेमू, रसिका दुग्गल, गजराज राव, रणवीर शौर्य और विजय राज है। कुणाल खेमू इस फिल्म में मेन लीड में है जिन्हें मिलती है एक पैसों से भरी बैग। उसके बाद क्या क्या होता है और ये इस फिल्म में देखना मजेदार है क्योंकि इस बैग में पैसों के साथ साथ एक और भी अहम चीज है। फिल्म की स्टोरी लाइन कमजोर नजर आती है लेकिन एक्टर्स के परफॉर्मेंस ने इस कमी को भर दिया है और फिल्म की शोभा बढ़ा दी है। एक्टर्स की कॉमेडी टाइमिंग भी शानदार नजर आ रही है। कुछ जगह आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे, कहीं जगह ये फिल्म धीमी लगती है जिससे आपका फिल्म से ध्यान हट जाएगा। नंदन कुमार नाम के मिडिल क्लास आदमी को एक पैसों से भरा सूटकेस मिलता है और उसके साथ ही उसकी लाइफ में खुशियों के साथ परेशानियां भी आती है। लेकिन फिल्म की यही कहानी कॉमेडी की रोलर कोस्टर सफर कराती है। पत्नी लता जो निभाई है रसिका दुग्गल ने, पॉलिटिशियन मिनिस्टर पाटिल जो निभाया है गजराज राव ने, फिल्म के सभी कलाकारों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी रियल मुंबई दिखाने में सफल रही है तो फिल्म का म्यूजिक भी कहानी को अच्छे से
पेश करता है। ह्यूमर्स और एक्टिंग के साथ ये फिल्म एंटरटेनिंग नजर आती है। इस फिल्म को पीपिंग मून देते हैं 3 मून्स। इसी के साथ मैं प्रेरणा आपसे विदा लेती हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज के लिए देखते रहिए peepingmoon.com।